मैं अमजदुल्ला खान स्पोक्समैन एमबीटी। आज शहर हैदराबाद में जो है एक ना खुशगवार वाकया पेश आया, यानी एक मेहदीपट्टनम चौरास्ते से जो रिंग रोड जा रही है वहाँ पर अंकुरा हॉस्पिटल, जो एक तकरीबन 7-8 फ्लोर अंकुरा हॉस्पिटल है, उसके अंदर आँच लग गई। और आँच लगने से जो है अभी स्टिल क्या हुआ, कुछ लोग मरे या नहीं, ये अभी पता नहीं चल रहा है। अभी तो फायर फाइटिंग वहाँ पर ब्रिगेड आए हुए हैं। लेकिन आपको मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ कि ये आँच किस लिए लगी, क्योंकि पिछले 9 साल से, जब से BRS गवर्नमेंट थी और KT रामाराव साहब इसके म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर थे, हैदराबाद ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में पहले भी और अभी भी दो टाइम भी जो है BRS और MIM की कॉरपोरेशन में कब्जा रहा। ये पूरे 9 साल में जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस को हवा दी गई, डायरेक्टली KTR की पेशी से जो है बिल्डर्स को हेल्प किया गया, ये जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस, अब जैसा आप अंकुरा हॉस्पिटल है, ये अंकुरा हॉस्पिटल में लीगली 4 फ्लोर का परमिशन है, इसको 7-8 फ्लोर डाल दिया गया, तो इसको NOC कैसा मिली, इसको फायर डिपार्टमेंट की NOC कैसा मिली? तो ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड द फायर डिपार्टमेंट ऑफ हैदराबाद बोलिए तेलंगाना, क्योंकि हमारे कने बल्दिया में जो फायर डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर बैठता है उसके अंदर, जब तक वो फायर डिपार्टमेंट का ऑफिसर जाके NOC नहीं देता बिल्डिंग को, ये बिल्डिंग को ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिलती। ये एक बड़ा स्कैंडल है बहुत, और इसके अंदर डायरेक्टली KTR साहब जिम्मेदार है। इसमें जो 9 साल तक म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर रहे, आप देखिए कि आज से कुछ दिन पहले भी ऐसी ही आँच लगी, 4 से 5 लोग मर गए, उससे पहले भी कुछ दिन पहले आँच। तो ये जो पूरा इल्लीगल कंस्ट्रक्शन माफिया है, आप ग्रेटर हैदर आप जाके अगर फायर डिपार्टमेंट का वेबसाइट खोल के देखेंगे तो मोर देन 600 बिल्डिंग्स जो है जिनको फायर डिपार्टमेंट NOC नहीं दिया, लेकिन बल्दिया जो है GHMC उनको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दे दिया है। तो मैं हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश करूँगा कि एक बहुत बड़ा स्कैंडल है और नंबर 1 इसके अंदर अगर अक्यूज्ड है तो KTR है। तो इसके ऊपर जो है ये जो पूरा 9 साल में इल्लीगल कंस्ट्रक्शन का माफिया चल रहा है, जो भी कमिश्नर था वो इसके लिए जिम्मेदार है। 3 कमिश्नर्स बदले पूरे 3 या 4 नौ साल में, और चीफ सिटी प्लानर का जो पोस्ट है पिछले 12 साल से एक ही चीफ मिनिस्टर से चीफ सिटी प्लानर है बल्दिया में, वो चेंज नहीं होता। जो चीफ सिटी प्लानर है वो KTR साहब का खास आदमी है और KTR साहब का कलेक्टर है उन्हें एक मानों में। ये पूरे इल्लीगल कंस्ट्रक्शन जितने भी हो हैदराबाद में उसके लिए ये आँच लग रही है इल्लीगल बिल्डिंग्स में। फायर वालों का इसके अंदर सही इंतजाम नहीं रहने की वजह से, आप तकरीबन हॉस्पिटल्स को विजिट करके देखिए, आप कोई भी सेलार में कोई एक्टिविटी नहीं करना बोल के ऑर्डर है ये, चाहे GHMC का ऑर्डर बोलिए या आप फायर डिपार्टमेंट का ऑर्डर बोलिए। लेकिन आप हर हॉस्पिटल विजिट करिए, चाहे आप अंकुरा हॉस्पिटल ले लीजिए, पूरा सेलार में जो है इन्वेस्टिगेशन का वो डाल के रखते, आउट पेशेंट डाल दे रहे हैं उसमें। आप यशोदा हॉस्पिटल जाइए, यशोदा हॉस्पिटल के कोई भी ब्रांच में जाइए, आप टोटल 11 ब्रांच है जिसमें KTR साहब पार्टनर है यशोदा हॉस्पिटल्स में, पूरे सेलार्स में जो है इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स डाल के रखे हुए उसके अंदर, और आउट पेशेंट्स के ब्लॉक्स बना दिए। आप जो है अपोलो हॉस्पिटल जाइए, आप कोई भी हॉस्पिटल जाइए हैदराबाद में, दे आर ऑल इल्लीगली कंस्ट्रक्टेड। उनको 4 फ्लोर का परमिशन है तो 8-8 फ्लोर, और ये पूरों को सपोर्ट किया गया KTR और KTR की पेशी से। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का जो टाउन प्लानिंग है वो अक्यूज नंबर 1 है। तो मैं KT हमारे रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश करूंगा, क्योंकि म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड फायर डिपार्टमेंट होम डिपार्टमेंट अभी भी उनके पास ही है, इसकी इंक्वायरी करवाई जाए, और ये इंक्वायरी करवा कर A1 द अक्यूज नंबर 1 शुड बी KTR, अक्यूज नंबर 2 ऑल कमिश्नर्स, अक्यूज नंबर 3 जितने DG फायर सर्विसेज थे उनको डालिए इसमें, और जितने टाउन प्लानिंग के चीफ सिटी प्लानर 10 साल से एक ही आदमी है चीफ सिटी प्लानर, ये पूरे टाउन प्लानिंग के ऑफिसर्स को डाल के अक्यूज बनाकर, ये जितने बिल्डिंग्स को जो फायर का NOC नहीं है उन तमाम बिल्डिंग्स को डेमोलिशन करना चाहिए। शुक्रिया, यार जिंदा सोबत बा।